Robert Miss Jackson. हेलो गाइस, तो अगर आप अपनी पेटीएम में से रिडीम कोड परचेस करते हो तो यहाँ पे आपका अगर फेल्ड बता रहा है, रिडीम कोड शो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तो गाइस, यहाँ पे आप अगर रिडीम कोड परचेस करते हो तो आपके मैसेज में रिडीम कोड जाता है या फिर आपके जीमेल आईडी में रिडीम कोड जाता है। अगर जीमेल आईडी यहाँ पे लिंक हो तभी जीमेल आईडी में भी रिडीम कोड एक जाता है और एक पेटीएम में बताता है। तो गाइस, वो सारे आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैसेज में नहीं आ रहा है, जीमेल आईडी में नहीं आ रहा है और यहाँ पे पेटीएम में नहीं आ रहा है, तो आप उसे निकालें कैसे, उस रिडीम कोड को कैसे देखना है? तो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर पेटीएम में जाकर थ्री लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड बुकिंग पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा रिडीम कोड, आप जो रिचार्ज किए हो और रिडीम कोड जो परचेस किए हो, यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 400 रुपये का रिडीम कोड परचेस किया था 14 अक्टूबर को। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, अंदर आपको रिडीम कोड यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिडीम कोड। ये देख सकते हैं, इतना बड़ा रिडीम कोड यहाँ पे है। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, अगर पहले से यूज कर चुके हैं तो दूसरी बार यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइस, ये अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप नीड हेल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको आप फीडबैक यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशू विथ गूगल प्ले रिचार्ज पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज यूएस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो या फिर आप यहाँ पे बैक में जाकर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको यहाँ पे बैक में जाना है। तो बैक में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं 24/7 हेल्प सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे चले जाना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट 24/7 हेल्प के पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर आपको क्लिक करना है, पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर पे, यहाँ पे आपको इसी नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको इसी नंबर पे कॉल करना है और कस्टमर केयर से बात करना है। तो गाइस, आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि आपका पेटीएम में जो नंबर लिंक है वही नंबर पे आपको यहाँ पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने के बाद आपका इशू बताना है कि मेरा रिडीम कोड शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स के अंदर आपका रिडीम कोड फिर से सेंड कर देंगे कस्टमर केयर से बात करने के बाद। तो दोस्तों, फिलहाल आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि आपका अगर रिडीम कोड शो नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ पे जाकर देखना चाहिए, कहाँ पे आपको दिखाई देगा, पता चल गया होगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।